वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सवारे खालसा जी, सरबत सिख संगत नूं पता ही है कि दास ने शुद्ध भावना नाल पंथक एकता का मुढ़ बनन वास्ते अपने हम रुतबा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वलों नियुक्त अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह नाल गुरु जुगत विच बैठन वास्ते दो बार समा कढ़िया अते दो दो घंटे 29 जुलाई अते 9 अगस्त नूं श्री अकाल तख्त साहब विखे गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों विच बैठ के उड़ीक कीती। परंतु दोहां मौक्यां ते ज्ञानी रघबीर सिंह जी नहीं आए, ये वाहेगुरू जानता है जां ज्ञानी रघबीर सिंह जी दस सकते हैं कि वह पंथक एकता की मुहिम आरंभ करने वाले उदम तो क्यों टाला वट रहे हैं, कि उन्हां उत्ते किसी का दबाव है जां वह सिख संगत दीयां भावनावां अते पंथ की हो रही बर्बादी नूं अखों परोखे करके एकता दे रस्ते ते जान बुझ के नहीं तुरना चाहते। परंतु दास नेक नीयत अते गुरु दे भय विच रहिंदिया इस पासे वल सार्थक जतन कर रहा सी अते भविख विच भी करदा रहेगा। इस वास्ते पहल वड्डे रुतबियां दे मिल के बैठन तो कीती जानी सी, परंतु सब कुछ संगत दे सामने है कि किस पासे हुंगारा नहीं मिल रहा जां किस इस दे की कारण हो सकते हैं। इस करके दास हुण उडीक विच होर समा खराब करन दी थां गुरु साहिब अगे अरदास करदा है कि वड्डे रुतबियां ते बैठे सिखां नूं गुरु समत बख्शिश करन अते 21 विसवे मन्नी जाण वाली सिख संगत अते समुच्चा खालसा पंथ नूं अपील है कि सिख पंथ समर्थ है, किसी की भी जवाब तलबी कर सकता है। इस वास्ते हुण जिथे भी ज्ञानी रघबीर सिंह किसी पंथक स्टेज उत्ते जाण उत्थे सिख संगत विच्चों गुरु प्यार वाले सिख उठ के जवाब मंगण के पंथक एकता वास्ते तुहाडे कोल समा क्यों नहीं है, जां तुसी एकता क्यों नहीं चाहते। दास नूं भी जिथे ज्ञानी रघबीर सिंह दे आउण दे बारे पता लगेगा उत्थे पहुँच के खुद भी निम्रता नाल ज्ञानी रघबीर सिंह नूं बेनती करन दी कोशिश कीती जाएगी। दास इन्हां हालातों तों घबराउण जां घर बैठन वाला नहीं अते ना ही अपने अकीदियां तों पिछे हटन वाला है। इस करके पंथक एकता नूं हर हाल नेपरे चाण लई कीते जा रहे जतनां विच ढिल आउण दा तां सवाल ही नहीं, सगों होर बदलवें तरीकियां नाल इन्हां एकता नूं वड्डे पद्धर ते आरंभ कीता जाएगा। इस वेले जो सिख पंथ की हालत है, एक पासे समय की सरकार सिखां उत्ते जबर कर रही है अते दूजे पासे विप्रवादी ताकतां पंथ की निराली हस्ती नूं नेस्तो नबूद करन लई तत्पर हन। अजिहे मौके ते चुप रहण जां कौम दे भले वास्ते एकता जां संघर्ष तों भजना गुरु नूं बदावा देण दे तुल है। इस लई दास तां इस विचार दा धारणी है कि रुतबे ते बैठे सिख वास्ते गुरु नूं पिट्ठ देण तों पहलां तां उस दे मूँह दे उत्ते पल्ला आ जाणा ही बेहतर है। इस करके दास फिर अपने अकीदे नूं दोहराउंदा होया सिख संगत नूं भरोसा दवाउंदा है कि जिन्ने भी साह बाकी हन जां जो कुछ भी मैनू गुरु जां गुरु पंथ ने बख्शिश कीती है, किनका किनका गुरु अते गुरु पंथ दी इमानत है अते इस नूं लेखे विच लाउण दा यतन करदा रहांगा। परंतु ये सब कुछ
अकाल पुरख की कृपा, गुरु की नज़र अते गुरु पंथ के सहयोग नाल ही निपड़े चढ़ सकता है। इस वास्ते दास हुण गुरु पंथ नूं मोर्चा संभालण की अपील करदा होया उम्मीद करता है कि पंथ के वडेरे हितों नूं मुख रख के सारिया सिख संगतां गुरु हरगोबिंद साहब के इस पावन अस्थान तो जारी आदेश नूं मन के अते इस दी पहरेदारी करके गुरु दीआं असीसां लैणगीआं अते पंथ की बौड़ी करन विच अपनी वो फर्ज निभाउणगीआं। दूसरी बेनती यह है कि समुचे खालसा पंथ अते भारत के इंसाफ पसंद लोगों नूं अपील है कि भारत के सूबियां विच जिवें मणिपुर अते हरियाणा दे नौ मेवात विच वापरियां घिनौनियां घटनावां घट गिनती उत्ते वध रहे सरकारी जबर सिखां दे देश विदेश विच हो रहे कतलेआम बेगुनाहां नूं NSA अधीन दूर दराडे जेलां विच बंद करन खालसा एड वर्गियां समाज सेवी संस्थावां उत्ते भारतीय एजेंसियां वल्लों बेलोड़ी छापेमारी करके दहशत पैदा करन बंदी सिंघां दी रिहाई ना करन गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी दा ना रुकना अमन कानून दी विगड़ी स्थिति दे मद्देनज़र श्री हजूर साहब दा प्रबंधक एक गैर सिख नूं लाउण अते भारत दी सरकार सूबा सरकारां दी शह ते मिली भुगत नाल पनपरे हिंदू अतवाद दीआं वध रहीआं अपराधक गतिविधियां दे रोस विच 15 अगस्त नूं गुरद्वारियां अगे अपने घरां अते कारां गड्डियां उत्ते काले झंडे लाए जाण। सिख भाई अते बीबियां सिर ते कालियां दस्तारां ते चुन्नियां लैण जां अपने मोढे ते काले बिल्ले लाउण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। ठीक है आदि किसी ने फोटो लेनी तो ले सकते मैं अपने दिलों जेड़ा सरबत खालसा होया सी उस विच बेशक सरबत खालसे ने यह जथेदार रद्द कर दिते सी और नवे जथेदार सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा जिहड़े तिहाड़ जेल दे विच ने सिंह साहब भाई बलजीत सिंह दादूवाल सिंह साहब भाई अमरीक सिंह अजनाला ते दास सानू तख्तां दी सेवा दित्ती गई सी ते जिहदे विचों दास नूं भाई जगतार सिंह हवारा दी गैर हाजरी विच सेवा दित्ती गई सी जिहनूं मैं अज तक निभाउण दी कोशिश कर रहा हाँ। मैं आप संगतां नूं बेनती करनी चाहुंदा हाँ कि गल एकता दी है, गल खालसाई केसरी निशान साहब थले श्री अकाल तख्त साहब थले सारी सिख कौम नूं कठिया करन दी है और ये जिहदे भी सिख दे मूँह दे अगे मैक आउंदा ना उत्थे संगत 500 की गिनती विच बैठी होवे, 5000 की गिनती विच बैठी होवे, 5 लख की गिनती विच बैठी होवे, सारे गल कहिंदे ने कि एकता होनी चाहीदी है। 6 जून नूं जदों दास इत्थे घल्लूघारे हफ्ते विच कौम दे नां संदेश देण वास्ते पहुंचिया बेशक साडे नाल ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ 2 ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਗਵਰਾ ਹੋਏ ਕਿ
कि क्यों ना असी एकता की गल श्री अकाल तख्त साहब तो करिए। मैं बड़ी निम्रता दे नाल चिट्ठी लिखी ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुणा नूं कि आपां बैठ के पंथ ते कौम दे भले लई आपां कोई श्री अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा नूं आजाद हस्ती नूं कायम करन वास्ते आपां कोई गलबात करिए। वह भी मैनू टाइम नहीं दे सके। ज्ञानी रघबीर सिंह हुणा नूं मैं निम्रता सहित पंज सिंह भी भेजे, चिट्ठी भी भेजी, वह भी मैनू टाइम नहीं दे सके। फिर मैं सोचा कि हुण की करा, फिर मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक टाइम देता कि असी 29 जुलाई नूं सिंह साहब जी उत्थे आवांगे, तुसी उत्थे आओ, आपां बैठ के पंथ के मसले पर विचार करिए। पर नहीं आए। फिर 9 अगस्त का टाइम दिता, जो अज का टाइम आ, वो नहीं आए। मैनू नहीं पता क्यों आए। मैं ना उन्हां नूं माड़ा कहां ना मैं कहना, पर एक गल मैं तुहानूं दसनी चाहुंदा जिहड़ी मेन गल आ। मैं अरदास कर चुका सी कि सच्चे पातशाह जे साडे दो जथेदारां विच एकता हो जावे, तो जथेदार जगतार सिंह हवारा अकाल तख्त साहब के जथेदार बन जाण, ते आ जिहड़ा सरोपा वा ना मैं अपना अहुदा छड के ज्ञानी रघबीर सिंह दे गल दे विच पा आउणा है। आ मैं लै के आया सी घरों साध संगत जी, मैं कोई उतो उतो नहीं जे करदा। आ सरोपा मैं इन्हां दे गल विच पा के जाना सी, इन्हां दा मान सन्मान करके जाना सी, और ये भी कह के जाना सी कि जथेदार जी दिने जां राती जिहड़ा भी हुक्म लाओगे फिर दे के निभा देंगे। पर बड़े अफसोस की गल है, कौम की माड़ी किस्मत समझ लो, जां पता नहीं की हिसाब किताब आ, ज्ञानी जी नहीं आए। मैं चाहुंदा वा कि श्री अकाल तख्त साहब जिहड़ा सर्व उच्च जिहड़ा हैगा वा, उहदे दुआले सारी कौम नूं झुकना चाहीदा, ना कि जदों अकाल तख्त साहब का जथेदार कोई संदेश दवे, आदेश दवे जां हुक्मनामा जारी करे, ते पग बन्नण वाला सिख उहनूं गदार कवे, उहनूं कुत्ता कवे, उहनूं बिल्ला कवे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अकाल तख्त साहब तो अरदास करके जिहड़ा मैं बरगाड़ी गल कह के उठिया सी ना कि सरकार आई आ गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी विच कहण, उन्हां के कहा कि असी सारे मसले हल करांगे, असी उन्हां नूं दित्ता मौका, विश्वास किया, असी सरकार ते विश्वास करदे हां। पर जे सरकार ने वह काम ना किया, असी ये मोर्चा हुण बैठ के नहीं लावांगे, ये सड़कां ते जाऊगा। मैं सिख संगतां विच जा रहा, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां, और इहदी तरीक आउण वाले समें विच दवांगे। उस तों पहलां एक मसला होर है जिहदे बारे तुसीं मैनूं सवाल करना। वह मसला यह है कि भगवंत सिंह मान नूं इत्थे बुलाया सी, उन्हां ने पत्र भेजिया, वह क्यों नहीं आए, जां पत्र विच की लिखिया, विखावांगा सारा कुछ। 18 तरीक का मैं समां दिंदा वां भगवंत सिंह मान नूं, मुख्यमंत्री पंजाब नूं, कि इत्थे पहुँच के सानू कारण दसो कि किहड़े कानून के तहत तुसीं ये बिल पास किया, तुसीं साडे धार्मिक मसले विच दखल क्यों दिता। 18 तरीक नूं जे वह नहीं आउणगे जां साडी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा, तो फिर जो पंथक रवायतों के मुताबिक वह भी कार्रवाई की जाऊगी। ਚਲੋ ਯਾਰ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਚਕੀਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਵਾਂ।
मेरी तुहाडे नाल नहीं बनदी, तुहाडे साडे विचार वखरे हो सकदे ने। जिथे बंदियां संप्रदावां जो भी सिख चढ़दी कला वाले ने ओह देश विच बैठे ने, विदेश विच बैठे ने। इह सिखां दी होंद दे उत्ते हमला है। सानू सारा कुछ भुला के इह जिहड़ा गैर सिख साडा प्रबंधक लाया, कल नू श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते भी सवालिया चिन्ह लगदा वा, ते फिर असीं रोवांगे कि असीं इह क्यों नहीं कर सके। मैं सारिया सिख संगतां नूं जां जिहड़े भी होनहार जिहड़े सिख लीडर ने पहुँच रखते हैं उन्होंने बेनती करदा कि डट के विरोध करना चाहिए, तो असीं करांगे। सानू जे हुण पहला जिहड़ा हैगा सी जे उहनूं बदलना सी ते फिर सिखां दी सलाह लै लैंदे। सिखां दे स्थान ने, सिखां दी स्थान ने सिखां नूं पुछना चाहिए, क्यों नहीं पुछया? विखाऊंगा जी मैं जवाब, जवाब तुहानू विखाऊंगा मैं, उस तो अगे फिर चलांगे। जवाब मेरे कोल पिया, मैं पढ़ लिया वा। संतुष्ट नहीं तां ही उहनूं बुलाया गया। बिल्कुल।